देखिए, दिमाग आपसे कैसे खेलता है, जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो आपको लगता है कि हम कल कर लेंगे, लेकिन कल आता है तो आप बोल देंगे नेक्स्ट डे कर लेंगे। इस तरह का चलते रहता है आपका खेल, और आपका जो दिमाग है वो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते चलता है। इसलिए जो भी चीज़ आप तय करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि हम ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इस पर ध्यान केंद्रित करिए। अपने क्षमता से मिलाइए, उसको अलाइनमेंट करिए कि आपका जो करने की क्षमता है और जो आप टास्क करने वाले हैं वो आपसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ज़्यादा बड़ा हैवी हैवी टास्क है और उसको अगर डायरेक्ट आप करते हैं बिना कुछ मेहनत किए हुए, तो आपको बहुत काफ़ी परेशानी का झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी बड़ा टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसको पहले छोटे गोल से आप कोशिश करिए कि माने पहले छोटे टास्क कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई कोई होता है कि बड़ा टास्क हम अचीव करना चाहते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बड़ा चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, तो पहले पहले छोटी चीज़ बेस मजबूत बहुत बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत होता है? बेस। बेस नहीं रहेगा तो आप टॉप बिल्डिंग खड़ा नहीं कर पाइएगा। इसी तरह जो भी चीज़ आपको डिसिप्लिन लाना होगा, तो सबसे पहले छोटी छोटी टारगेट आपको अचीव करना पड़ेगा, तभी आप बड़े वाला टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए छोटी चीज़ आपको अचीव करना पड़ेगा। छोटी चीज़ कैसे अचीव करना होगा? तो जो भी आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी 3 लाख का महीना कोई कमा रहा है और उसको चाहिए कि हमको 15-18 लाख का महीना कमाए, तो कैसे होगा? पहले छोटी छोटी चीज़ आपको तैयारी करना पड़ेगा अच्छे से। जैसे आप जो भी चीज़ जो भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस पोजीशन पे आपको दिखाना होगा कि हमारी जो क्षमता है वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तभी आपको बड़ी बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका जिम्मेवारी आपको देगा। तो इसलिए छोटी चीज़ आपको छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक आपकी काबिलियत दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को कि आप करेंगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बड़ी जिम्मेदारी दिया जाएगा। और पढ़ाई वाली चीज़ स्टूडेंट के ऊपर क्या होता है, स्टूडेंट को इसलिए एक क्लास से पढ़ाया जाता है ताकि उसका बेस स्ट्रांग हो जाए। आप डायरेक्ट चाहिएगा कि हम यूपीएससी का तैयारी कर लेंगे, आईएएस आईपीएस का तैयारी करने लगेंगे, सिलेबस आप शुरू में आपको पकड़ा दिया जाएगा, तो आप कर नहीं पाइएगा, क्योंकि जानते ही हैं पहले बेस मजबूत रहेगा तभी आप टॉप बिल्डिंग खराब कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहली बात, आप जो भी क्लास में हैं उसका एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ही फाउंडेशन बेस्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। धीरे धीरे करते रहिए, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है पहले उसको मुकम्मल कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा टाइम है तो एक्स्ट्रा टाइम में आप अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ है, अगला क्लास का आप किताब उठा कर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का आपको बेस बनाना पड़ेगा। और क्या होता है, पहली बात तो माता पिता सोचते हैं कि हमको बेटा को मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी शुरू से करवाने लगेंगे। ऐसा में क्या होता है कि बच्चे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। पहली बात तो बच्चे से पूछना पड़ेगा कि बच्चे को देखना पड़ेगा ये टैलेंट इसका क्या चीज़ में है, उसी के अनुसार उसको फॉलो करवाना चाहिए। मिडिल क्लास में क्या होता है कि मिडिल क्लास का बच्चे लोग कुछ और कहना करना चाहता है और माता पिता कुछ और करवाना चाहता है, ये बच्चे लोग का भी कोई दिक्कत नहीं है और माता पिता को भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग को पहले स्टेबल लाइफ करने के लिए ये सब करवानी पड़ती है। प्राइवेट की नौकरी करवाना चाहता है, गवर्नमेंट की तैयारी करवाना चाहता है, ताकि लाइफ अच्छे से स्टेबल हो जाए, ज़िंदगी भर अच्छे आराम से ज़िंदगी गुजार सके, इस तरह का मन में ये चिंतन रहता है। तो इसलिए बच्चे लोग को पैशन से ज़्यादा अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहता है। इसलिए बच्चे लोग क्या करता है कि बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका पढ़ाई मन में नहीं लगता है, भले ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है लेकिन अलग एक्टिविटी में मन लगता है, तो उसको अलग एक्टिविटी करवाना चाहिए। जो भी पैशन उसको अंदर होनहार छात्र है, होनहार किसी भी एक्टिविटी में वो लीडर का काम करता है, तो बच्चे लोग को देखना पड़ेगा कि अगर क्रिकेट में अगर मन लगा रहा है तो उस क्रिकेट में 100% एफर्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसका पूरा एकदम क्लियर आपके माइंड में व्यूज रहना चाहिए कि आप इन द फ्यूचर छोड़ तो नहीं देंगे। छोड़ने पे जानते हैं आपका सबसे बड़ी धक्का लगेगा लाइफ में, आप माने सोच नहीं सकते हैं। आपका धक्का लगने से आपका मन विचलित हो जाएगा और आप बहुत सारी बीमारी के ग्रसित में आ जाएंगे, बहुत सारी बीमारी के शिकार में आ जाएंगे। आपके आप तो आएंगे ही, आपके
आसपास का सर्किल में जो भी फैमिली है, आपका जो भी रिलेटिव है, वो भी माने सदमे में चल जाएंगे। इसलिए अपने पैशन को फॉलो करते हुए पहले ज़रूरत होता है कि स्टेबल लाइफ कर लें, लाइफ को स्टेबल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो भी आप सोच रहे हैं इन द फ्यूचर करने का, जो भी आप सपना बनाए हुए हैं, उस सपने को साकार करने के लिए आपको धीरे धीरे आपको काम करने की आवश्यकता है। भले ही आप पैशन कुछ भी हो, लेकिन पहले आप अपने लाइफ को स्टेबल बना लीजिए कोई भी चीज़ पाकर, ताकि आपका वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम बनता रहे। तो सबसे पहली बात हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी चीज़ अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको अपने लाइफ पे खड़े उतरना है, अपने पैर पे खड़े उतरना है, ताकि बोझ ना बने अपने माता पिता को और लोगों को भी लगे कि आप सच में खड़े हो गए हैं और आप कमा रहे हैं, घर पे पैसे दे रहे हैं। आपको अपने चीज़ को भी पैसन को भी पहले फॉलो करना होगा। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे जो भी चीज़ आप फॉलो करना चाह रहे हैं आप फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे पहले लाइफ को स्टेबल कर लीजिए। कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी गवर्नमेंट, छोटी छोटी मोटी जो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम देता रहे उसको अचीव कर लीजिए, फिर उसके बाद अपना पैशन फॉलो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते हैं। पैशन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहला लाइफ को स्टेबल बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है। इससे ये होता है कि 50% आपका जो भी चिंतन है, जो भी आपको माइंड में पढ़ाई के प्रति नहीं लगता है, वो है कि प्रेशर, ऊपर से प्रेशर आता है कि पैसा कहाँ से आए। तो पैसा आने लगेगा, फिर उसके बाद जो भी आप गोल और सपने सोच रहे हैं उसको आप आराम से आनंदपूर्वक अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यही एडवाइस देंगे और सजेस्ट करेंगे सबसे पहले कि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, पहले एक लाइफ स्टेबल लाइफ के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लेना होगा। फिर उसके बाद आप करते रहिए, जो भी चीज़ करना चाहते हैं सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता 100% एफर्ट के साथ हम कहते हैं कि जरूर मिलेगी। बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, प्रिजर्वेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि हमेशा डेडिकेशन के साथ आप काम करते रहिए, अपने पैशन को फॉलो करते रहिए। जो भी चीज़ इधर उधर के बातों में उलझ जाते हैं, इधर उधर की नेगेटिव चीज़ में उलझ जाते हैं, उससे बाहर निकलिए। उससे हम बाहर इसलिए बार बार निकलने की कोशिश करवाना चाह रहे हैं क्योंकि यही चीज़ है जो आपको ऑब्स्टेकल का काम करती है, रिसिस्टेंस का काम करती है, जो हमेशा रुकावट करने का काम आती है आपके फ्यूचर में को बनाने के लिए। इसलिए उन सब से दूर रहिए, नेगेटिव लोग उससे दूर रहिए, हमेशा बाधाएं डालने की काम करेगा। जो भी आपको एकांत चीज़ लगती है, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आराम से अपने पैशन को फॉलो करिए। बड़े बड़े जो भी सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े जो भी पर्सनैलिटी हैं, उनको देखिए वो किस तरह माने काम किया। वो लोग भी माने एक बेस से शुरुआत किया था, फिर ना वो ऊँचे पैदान पर पहुँचा। इसलिए आप भी कोई भी क्लास के हों, आपको शुरू में मेहनत करने की आवश्यकता है। बार बार मेहनत करते रहिए आप, तब तक मेहनत करते रहिए तब जब तक आप सफलता नहीं मिल जाए। इसलिए हमारा बात हमेशा ध्यान में रखिए, आप कोई भी चीज़ फॉलो पैशन कर रहे हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको उस पर खड़े उतरने की आवश्यकता है। धन्यवाद।